हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से मैं एक अपडेट देना चाहूँगा कि सिकंदराबाद रांची सेंट्रल रेलवे मुंबई का तो अब तक मैं जो रिज़ल्ट में हुई गड़बड़ी पर वीडियो बना चुका हूँ। अब दोस्तों, चौथा जोन का भी गलत रिज़ल्ट आ चुका है और यह अब देखने को मिला है दोस्तों अजमेर जोन का, मतलब NWR जयपुर जोन से एक अपडेट आई है कि यहाँ भी रिज़ल्ट गलत आ गया है। 74 और 62 मार्क्स वाले का डीवी लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन 61.5 अंक वाले का सिलेक्शन हो गया है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि इस साल ये क्या हो रहा है रेलवे में और कैसा रिज़ल्ट दे रहा है रेलवे। इसको बिल्कुल आप लोग को ट्वीट करना चाहिए। अगर ट्वीट नहीं कर पाते हैं तो आप लोग अपने अपने मेल आईडी से मेल कीजिए। आप लोग के RRC, जैसे RRC अजमेर NWR है तो NWR करके मेल की जो ऑफिशियल साइट रहता है हर एक RRC का, जहां आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो फिर से शुरू करते हैं, अभी का जो वीडियो है। चलिए, नए आए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रेम प्रकाश जोगी जी का। ये NWR से बिलोंग करते हैं और OBC, जब मैं जोगी जी का चेक किया तो जोगी जी आते हैं OBC में। जब मैं इनका रिज़ल्ट को चेक किया तो देखिए इनका मार्क्स कितना है। इनका मार्क्स है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 74.05922, और ये शॉर्ट लिस्टेड भी हैं PET के लिए। अब इनका PET क्वालिफाइड वाला मैं रिज़ल्ट बताता हूँ। देखिए, उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ इनके आखिरी में क्या है, 0248, ठीक है। अब ये PET क्वालिफाइड वाले रिज़ल्ट में देखिए 0248, ठीक है। तो एक चीज़ ये बहुत बड़ी गड़बड़ी आई है कि इनका अभी फेसबुक में रिज़ल्ट शेयर हुआ है कि इनका नहीं हुआ है। अब एक और मैं चीज़ को बता देता हूँ, जबकि वो PET क्वालिफाइड है ना, और मार्क्स देखिए 74 है OBC से। अब एक और अजमेर जोन के बता रहा हूँ, 62.08 है, इनका नाम को छुपा दिया गया है। ये PET के लिए क्वालिफाइड है, ये जनरली OBC से ही है। अब यहाँ पर इनका देखिए 0871 रोल नंबर भी है, ठीक है, PET क्वालिफाइड रिजल्ट में है। यहाँ पर देख सकते हैं 0871, बट ये PET में क्वालिफाइड नहीं है, इनका DV लिस्ट में नाम नहीं आया है दोस्तों। अब जिनका मैं बताना चाह रहा हूँ 0791, ये तो ऊपर का लगभग सेम है। अब इनका नंबर देखिए 61.59 है और ये PET के लिए सेलेक्टेड है और PET इनका निकल भी गया और इनका देखिए DV लिस्ट में नाम है 060791। एक बार और मैं बता देता हूँ, 60791। तो प्लीज़, हर एक RRC वालों से निवेदन है मेरा कि इस तरीके से ही क्या चल रहा है, प्लीज़ कंफर्म कीजिए, फिर से एक रिज़ल्ट लाइए। और इस तरीके से रैंडम रिज़ल्ट जो आप लोग देते हैं उसके आधार पर ज़रूर दीजिए, और आना ही चाहिए, ठीक है। सिकंदराबाद में गलती थी तो आई, रांची में गलती थी तो सुधार किया गया और उस पर काम चल रहा है। आज में आ जाना चाहिए इस जोन का रिज़ल्ट। सेंट्रल मुंबई में आज ही पता चला है ना, और अब अजमेर जोन से भी एक खबर आ चुकी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं शेयर करने और सब्सक्राइब करने में। मैं खुद रेलवे स्टाफ हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ, ठीक है, और अपना गाइडेंस देते रहता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ज़्यादा हुआ तो आप लोग RRC NWR चले जाइए, ठीक है, जहाँ भी पड़ता है आप लोग का, जयपुर में पड़ता है या अजमेर में, ठीक है, वो देख लीजिए। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की उनको ज़रूर शेयर कीजिए। और कट ऑफ रिलीज़ नहीं किया गया ऑफिशियली, उस पर भी बात करेंगे, है ना। तो चलिए, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।